गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर 2 लेसन नंबर 2 टुडे। यू लिसन केयरफुली, सी एंड अंडरस्टैंड दिस लेसन्स। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेसन नंबर 2, अनूठे इंसान। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य व प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। आज विद्यार्थी मित्रों, हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है और इसमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा ये लेसन है। क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके जीवन पर आधारित ये घटना इस लेसन में लिखित है। बचपन में नेपोलियन बोनापार्ट का एक प्रसंग इस लेसन के द्वारा हमें पढ़ना है, आपको देखना है, समझना है और पढ़ना है। ऐसा था नेपोलियन, किसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें नेपोलियन के बारे में पढ़ना है। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी सत्य के मार्ग पे चलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आग में चौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। बचपन की घटना है, नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी बेन इलाइजा दोनों जो थे तो लपा छिपी का खेल खेल रहे थे और इलाइजा कहीं छुप गई थी। तब नेपोलियन उसे ढूंढने की कोशिश करते, उसे ढूंढते और इधर उधर उसके लिए दौड़ रहे थे। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपनी बहन इलाइजा को ढूंढ रहे थे, लपा छपी का वो खेल खेल रहे थे, तभी एक लड़की अचानक आ जाती है बीच में और वो उससे टकरा जाते हैं। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। वो जो लड़की टकराई थी वो अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वो रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। बहुत ही सुंदर ऐसे लाइन्स है। नेपोलियन बोनापार्ट इलाइजा दोनों भाई बहन खेल रहे थे, इलाइजा कहीं छुप गई थी और नेपोलियन उसको ढूंढ रहे थे, तभी अचानक एक लड़की जो अमृत बेचने के लिए वहाँ से गुजर रही थी तो नेपोलियन के धक्के लगने से वो गिर गई। उसके अमरूद की जो टोकरी थी वो कीचड़ में जाके गिर गई, जिससे उसके सारे अमरूद जो है तो ख़राब हो गए और वो रोने लगी और अपने आप से वो कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। क्योंकि वो अमरूद बेचकर अपने घर का पालन पोषण वो करती थी, इसीलिए घर पे जाएगी तो क्या जवाब देगी। माँ उसको पूछेगी कि तूने अमरूद कहाँ डाले, पैसे कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसा वो अभी रोते रोते कहने लगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नेपोलियन की बहन, जैसे हम कभी कोई संकट में गिर जाते हैं या झमेले में गिर जाते हैं तो वहाँ से भागने का सोचते हैं, मगर ऐसा करना गलत होता है। तो यहाँ पे इलाइजा भी अपने भाई को समझाते हुए कहती है कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नेपोलियन बोनापार्ट, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है।
यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़के को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इलाइजा जब आती है और वो लड़की रोते हुए देखती है तो भाई को सलाह देती है कि हम यहाँ से भाग चले, मगर नेपोलियन कहता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और ये इस बेचारी बहन जो है रो रही है, इसकी हानि जो हुई है ये मेरे कारण ही हुई है, मेरे कारण ही इसका नुकसान हुआ है। ये कहकर नेपोलियन ने जब जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़के को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। उसकी नुकसान भरपाई करते हुए नेपोलियन अपने खिस्से में हाथ डालता है, उसके पास में 3 सिक्के होते और वो 3 सिक्के उसको देकर उसकी हानि भरपाई करना चाहते हैं, और वो कहता है कि मेरे पास में बहन ये 3 सिक्के हैं, इसे ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, क्योंकि वो अमरूद ज़्यादा पैसों के थे, 3 सिक्कों से उसकी भरपाई होने वाली नहीं थी। वो लड़की कहती है कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, और उसे अपनी माँ का डर था क्योंकि घर पे जाएगी तो माँ चिल्लाएगी, चीखेगी और मारेगी। वो कहती है कि ये 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। देखो, उस रोती हुई लड़की को देखकर नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी बहन इलाइजा उसे कहते हैं कि तुम्हारा नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम हमारे पास में अभी यहाँ पे पैसे नहीं है, तुम हमारे साथ में घर चलो, हम आपको घर से हमारी माँ से कुछ पैसे दिलवा देंगे। देखो चित्र दिया हुआ है, लड़की की टोकरी नीचे गिरी हुई है, सारे अमरूद नीचे फैले हुए गिरे हुए, इलाइजा और नेपोलियन बोनापार्ट उस लड़की को समझा रहे हैं, बहुत ही सुंदर ऐसा चित्र है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी, जिस तरह से वो लड़की की माँ उसे मारेगी पिटेगी उसको चीखेगी ऐसे लग रहा था, उसी तरह से नेपोलियन की बहन भी नेपोलियन को समझाते हुए कहती है कि अगर हम इसे घर लेके गए तो माँ हम पर नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वो बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने इलाइजा की बात नहीं मानी, वो उस लड़की को अपने साथ में घर पे लेके गए और अपनी माँ को घटी हुई घटना की सारी जानकारी दी, और उन्होंने कहा नेपोलियन ने अपने माँ से कि माँ आप जो मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे देते हो वो पैसा इस लड़की को दे दीजिए। माँ ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। बेटे की बात सुनकर उसकी बात को सही ठहराते हुए माँ कहती है कि मैं तुम्हारी सभी बात से सहमत हूँ, खुश हूँ, मगर याद रखना अभी 1 महीने तक तुमको जो जेब खर्चा मिलता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने नुकसान भरपाई की है, तो तुम्हें जो 1 महीने का खर्चा मिलता है तुम्हारे खर्च के लिए वो तुम्हें अब नहीं मिलेगा। नेपोलियन अब क्या कहता है, देखो ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन को लगा कि 1 महीने का खर्चा ही नहीं मिलने वाला है, तो कोई बात नहीं, वो हंसते हुए कहता है माँ ठीक है। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वो खुशी खुशी घर लौट गई। माँ ने नेपोलियन के जो खर्च के पैसे थे जेब खर्च के, वो उस लड़की को 2 बड़े बड़े सिक्के दे दिए, जो मिलते ही वो लड़की खुश हो गई और खुशी खुशी वो अपने घर पे लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को उस लड़की को धक्का देने की सज़ा यहाँ पे मिल गई थी, उसके रूप में उसे
पैसों का भुगतान करना पड़ा, मगर उसे इस बात की खुशी थी क्योंकि उसने सत्य के मार्ग पर वो चला था। और उस लड़की को खुश होते हुए और आनंद से घर जाते हुए देखकर वो भी मन में आनंदित था। ऐसे सजा भुगतने का आनंद कुछ अद्भुत ही होता है, ऐसा नेपोलियन का उस समय भी मानना था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। विद्यार्थी मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये नेपोलियन बोनापार्ट ये आगे चलकर फ्रांस के राष्ट्रपति बनते हैं और ये दुनिया के महान जो नेता है उनमें इनकी गिनती होती है। नेपोलियन बचपन से ही बहुत ही सत्यवादी, प्रामाणिक और सत्य के मार्ग पर चलने वाले इंसान थे, जिसका उनके जीवन में और आगे हमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्रांति भी बहुत फेमस है पूरे दुनिया में। नेपोलियन बोनापार्ट जो वहाँ का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति था फ्रांस का, जिनकी क्रांति से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, ऐसे थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, मतलब उनका आत्मविश्वास भरा हुआ था और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, जो सोचते थे वो करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, इसके लिए हमें कोई तोड़जोड़ नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए पूरे आत्मविश्वास के साथ में। विद्यार्थी मित्रों, हम दूसरी कहानी देखने वाले हैं जो है गांधी जी से रिलेटेड, सच्चा दान। सच्चा दान मतलब क्या? प्रामाणिक प्रयास से किया गया दान, उसी को कहते हैं सच्चा दान। चित्र देखिए, चित्र में गांधी जी जो है, जिसे हम बापू कहते हैं, बैठे हुए हैं। उनके पीछे कुछ लोग बैठे हुए और लड़कियां जो है तो कुछ आई है, और गांधी जी के सामने सभी जो है तो दान जो है अर्पण कर रहे हैं उनके चरणों में। ये घटना जो है केरला स्टेट की है, जब गांधी जी केरला स्टेट के उस समय दौरे पे थे और देश को आज़ाद करवाने के लिए उनको पैसे की, लोगों के सहकार्य की बहुत ज़रूरत थी। इस समय उनकी जो मुहिम वो चला रहे थे उसके लिए पैसा कम पड़ रहा था, उन्हें सख्त ज़रूरत थी, उसी पर आधारित ये घटना है।